भेजी है सब लोगों को हरिको ने कि हम क्या बंद करने वाले हैं। अच्छा, रोड मैप जो है वो ये है इनका पब्लिक रोड मैप। इसमें उन्होंने ये तो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि पब्लिक को हम सब बंद कर रहे हैं। वेल, फोकस ऑन मिशन क्रिटिकल मल्टी टी एल एस प्राइवेट वॉच। ये चीज़ इन्होंने एक और जगह हाँ ये आ गया ना, स्टूडेंट एंड नॉन प्रॉफिट के इनका क्या होगा? इनका होगा वी अप्रिशिएट हरिको लेगेसी एज लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैनी स्टूडेंट हैव देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस विद डिप्लॉइंग एन एप्लीकेशन ऑन हरिको, सेल्स फोर्स इज कमिटेड। अच्छा, सेल्स फोर्स ने बाई द वे इसको ख़रीद लिया था कुछ अर्से पहले, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चेंजेस होंगी लेकिन हुई नहीं, तो 2-3 साल हो गए इसको ख़रीदे हुए, तो अब जाके कुछ इन्होंने किया सीन। एक्सपीरियंसिस दिस आवर स्टूडेंट प्रोग्राम एट ड्रीम फोर्स। अच्छा, स्टूडेंट प्रोग्राम आपको इनका इनरोल करना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो। ओपन सोर्स सपोर्ट, यार इन्होंने ये तो कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। फ्री प्लान, बैक इन में रोड इन माई थाउजेंड दिस रिमेन पैशनेट टुडे हेल्पिंग राइटिंग नेक्स्ट चैप्टर। हु हेल्प स्मॉल बिजनेस लोन फिनिश। इसमें एग्जैक्टली तो इन्होंने ये कहीं पे भी नहीं लिखा। ऑल पोस्ट टाइम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। अच्छा, वेल यार ये हरिको में मुझे लग रहा है फ्री प्लान इनका रहेगा, ख़त्म नहीं करेंगे ये रेडीज वगैरह इन्होंने शायद ख़त्म किया है, क्योंकि यहाँ तो प्राइसिंग के पेज पे भी कोई स्टैरिक नहीं लगा हुआ है इसके ऊपर फ्री वाले पे। और डाइनो पे अगर मैं जाता हूँ ना, ये ना फ्री डाइनो है, 1000 आवर्स तक आपको ये देगा ये। एड टू एस्टिमेट, अच्छा यू आर ऑलरेडी एडेड, अच्छा ये ऑलरेडी एडेड है मेरे पास। कहीं पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि इसको ये बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। वेल क्या नवंबर की कौन सी तारीख बताई थी तुमने? 20 नवंबर, 28 नवंबर। चलो 28 नवंबर को ही पता चलेगा फिर, जब तक तो हमारी क्लास भी शायद ख़त्म हो चुकी होगी ये वाली। वेल नेटलीफाई इज़ द नेटलीफाई फंक्शंस जो है, एक मिनट, नेटलीफाई हरिको का अल्टरनेट है, हरिको का अल्टरनेट है ये नेटलीफाई फंक्शन पे ये एक्सप्रेस का पूरा सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं आप। सही है। और वैसे कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल है भाई, ये कमर्शियल है ये। मगर क्रेडिट कार्ड चाहिए इसमें या नहीं? इसमें क्रेडिट कार्ड शुरू में नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है बाद में इसकी प्राइसिंग दिखा देता हूँ ना मैं आपको। ये है प्राइसिंग इसकी ना नेटलीफाई फंक्शंस की। अच्छा, फंक्शन का तो इसमें जिक्र ही नहीं किया इसने। फंक्शंस पढ़ाई का मामला नहीं है ये, तो चले 2-1 महीने में प्रैक्टिस करके हो जाएगा। मेरे पास असल में आ गया एक हॉस्पिटल का काम, वो तो गूगल क्लाउड, भाई गूगल क्लाउड फ्री में आपको एक दे देता है, वो फ्री दे देता है। मतलब फिर वो मसला है ना, वो अपना क्रेडिट कार्ड वाला सीन। हाँ, क्रेडिट कार्ड आपको देना पड़ेगा। गूगल ऐप इंजन के नाम से एक चीज़ है, बिल्कुल हरिको है वो, बिल्कुल हरिको है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। गूगल ऐप इंजन, अबे गूगल ऐप इंजन की प्राइसिंग करना था ना मुझे, तो गूगल ऐप इंजन प्राइसिंग, ये आपको एक जो ऐप है ना वो फ्री देता है बिल्कुल, और इनसे ज़्यादा देता है जो ये आपको दे रहे हैं ना, ये रहा ऐप इंजन प्राइसिंग। और कितने जीबीस पे होता है इसका? वही है हरिको वाला, ये सेम यही है, 5 GB है। हाँ, अच्छा कहाँ गया भाई ये? ये तो कॉस्ट पर आवर बता रहा है ना, अभी इसका फ्री कोटा कहीं आ रहा होगा नीचे, फ्री टियर, ये रहा ऐप इंजन स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट फ्री टियर। आ जाते हैं फ्री टियर पे कि फ्री टियर में ये क्या क्या दे रहा है। अच्छा, फ्री कोटा विल गिव योर एप्लीकेशन एन अमाउंट ऑफ ईच रिसोर्स फॉर फ्री, आफ्टर योर एप्लीकेशन एक्सीड द फ्री कोटा यू विल बी बिल्ड। ठीक है, डेली कोटा जो है वो क्या है और पर मिनट कोटा क्या है, ये दो अलग अलग कोटा हैं इनके, यानी पर मिनट का एक कोटा है और एक डेली का कोटा है कि डेली आप इतनी देर यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे कहीं पे इन्होंने टेबल बनाई भी होगी, ये रहा। अच्छा, डिफ़ॉल्ट क्लाउड स्टोरेज बकेट 5 GB। ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्लाउड स्टोरेज बकेट क्लास है। अच्छा, ये तो फ्री एक बता दिया ना। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई, हमें देखना है ऐप इंजन, राइट? हमें ऐप इंजन देखना है ना, ये रहा ऐप इंजन। अब ऐप इंजन के अंदर जो है फाइल्स हैं,
इंस्टेंस आवर्स है। इंस्टेंस आवर्स का मतलब है कि आप जैसे एक ऐप बनाते हैं ना रिको के अंदर, तो कितनी देर तक चलेगा वो? 28 फ्री आवर पर डे। अब एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, 28 फ्री आवर ये पर डे दे रहा है आपको, ठीक है। इंस्टेंस का नाम है एफ़ एफ इंस्टेंसेस। अभी इनकी ना ए से लेके ए बी सी डी ई एफ तक की मशीन है, यानी अलग अलग कैटेगरी की मशीन है इनकी ना। तो ये वो आपको बता दिया इसने कि आपको 24 आवर्स में से 28 आवर समझ में नहीं आया। नहीं मतलब आप एक ही इंस्टेंस के अंदर आप दो भी तो चला सकते हैं ना, छोटी छोटी ऐप दो भी करके भी चला सकते हैं, तो इसलिए 28 आवर बता रहे हैं पर डे, ठीक है। अच्छा, नोट व्हेन यू यूज़ ऐप इंजन सर्विसेज इंस्टेंस क्लास डिटरमिन विच कोटा अप्लाइज, ठीक है। तो वेल ये आपको उतना ही दे रहा है, हरिको से ज़्यादा ही दे रहा है, कम नहीं दे रहा है। हरिको देता है 1000 घंटे देता है पूरे, ठीक है। कुछ ईमेल्स वगैरह भी आप भेज सकते हैं फ्री में यहाँ से। क्यों 1000 घंटे मंथली देता है? 1000 घंटे मंथली देता है वो, तो 1000 घंटे मंथली को आप डिवाइड करेंगे 30 पे, तो ये आपके दिन के आ गए 33 आवर। हाँ सही है, ये भी उतना ही दे रहा है। तो ये कितने 33 लिखा था इन्होंने, इन्होंने क्या लिखा हुआ था? 28 इन्होंने 28 लिखा हुआ था, ऑलमोस्ट सेम है। और इसको 9 को आप मिला लें इसके साथ, तो ये 33 से ऊपर भी निकल जाएगा। क्यों? असल में हरिको भी बैकएंड पे यही यूज़ करता है, गूगल क्लाउड यूज़ करता है, ठीक है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन अब चूंकि उसको सेल्स फोर्स ने ख़रीद लिया, तो सेल्स फोर्स का अपना क्लाउड है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली अपने क्लाउड पे अब उसको मूव कर रहे होंगे, गूगल को हटा रहे होंगे बीच में से, तो इसलिए उन्होंने ये चेंजेस भी किए हैं फिर साथ साथ। तो असल तो है गूगल क्लाउड, आप जब किसी क्लाइंट को बना के देंगे फिर आप गूगल क्लाउड पे करेंगे, और गूगल क्लाउड पे आप जब करेंगे तो ये अकाउंट आपको क्लाइंट बना कर देगा, आपको नहीं बनाना, ठीक है। अच्छा, फ्री अल्टरनेटिव जो है इसका ये है। अब इसमें फंक्शंस जो है ना, फंक्शंस ये रहा सर्वरलेस फंक्शंस, ठीक है। इसके अंदर होता है कॉल का हिसाब कि कितनी कॉल आपको मिल रही है, तो ये 125K पर साइट पर मंथ, ये इसका जो है ना प्राइसिंग है, स्टार्टर की है जो कि बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है। 125K कॉल बहुत होती है, अच्छी खासी होती है, ठीक है। 125 मतलब जो हम हिट करते हैं एड्रेस, जो हम एक दफ़ा हिट करते हैं ना, एक दफ़ा API कॉल मारते हैं, पोस्टमैन से रिस्पॉन्स आता है, ये उसकी बात नहीं, ये तो फिर बहुत है, ये 8.25 लाख हो गई तकरीबन, ठीक है। अच्छा, एक है एज फंक्शंस, एक है सर्वरलेस फंक्शन, एक है एज फंक्शन, ठीक है। एज फंक्शन जो है वो 3 मिलियन कॉल आपको देता है पर मंथ, 3 मिलियन पूरी देता है कॉल, ठीक है। तो अब इसमें से ये दो, पहले तो एक ही होता था इनका, ये दो नहीं होते थे, अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों फंक्शन में फ़र्क क्या है। ये मैं जब एज शायद ये कोई IoT डिवाइस से आने वाली कॉल तो नहीं होता। एक मिनट पढ़ लेते हैं ना, एज वैसे तो होता तो वही है, एज कंप्यूटिंग के इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होता है, लेकिन ये तो इंटरनेट है ना, ये तो इंटरनेट के बगैर नहीं चलेगा। एज तो वो होता है बगैर इंटरनेट के चले, इन हाउस चले। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा है, डिप्लॉय सर्वरलेस फंक्शंस डायरेक्टली विद इन नेटलीफाई, दे आर वर्जन कंट्रोल्ड बिल्ड एंड डिप्लॉयड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ योर नेटलीफाई। आप देख रहे हो उसमें ये भी इन्होंने दिया हुआ है कि वर्जन कंट्रोल्ड होगा, डायरेक्ट डिप्लॉय होगा, जैसे हरिको पे डायरेक्ट होता था ना, गिटहब में पुश किया हो गया डिप्लॉय, वो इसी तरह ये भी डिप्लॉय होगा। अच्छा, इसमें क्या बोला है इसने, रन जावास्क्रिप्ट इन डेडिकेटेड रन टाइम इन नेटलीफाई एज। अच्छा, नेटलीफाई अपने पास इसको छोटी मशीनों पे रन करेगा, ठीक है, शायद मे बी। सर, एज फंक्शन आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं, कौन सा नेट जेएस है वो भी एज फंक्शन अपने खुद के ला रहा है अपने सर्वर पर। कौन कौन ला रहा है उसके भी वो नेक्स्ट जेएस? अच्छा, नेक्स्ट जेएस, हाँ जी जी जी, मुझे किसी ने ये भेजा था, वो भी 5 गुना ज़्यादा फास्टर है सर्वरलेस से ना, एज फंक्शन जो नेटलीफाई खुद प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, नेटलीफाई ने ना एक ये ब्लॉग भी लिखा हुआ है कि यार एज फंक्शन और इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। वेल, मैं एक दो दिन देखता हूँ, अगर मुझे पक्का पक्का पता चल गया ना कि वो ख़त्म होने वाला है हरिको, तो मैं आपको इसके ऊपर ऐप डिप्लॉय करना बता दूंगा इसी क्लास में, ठीक है, कि एज के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और मुझे ना, मुझे कमर्शियल यूज का भी ज़रा बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे इसको इस पर काम करना है। मैं कमर्शियल, आपका मतलब नहीं समझा, कमर्शियल से क्या मतलब है आपका? कमर्शियल जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, डिप्लॉय वगैरह करते हैं इस तरह से स्टडी के लिए, एक है कमर्शियल, मतलब जो काम एक आया हुआ है, हॉस्पिटल्स का है, फार्मेसी का है, और उस इसी पे काम करना है जो हम पढ़ रहे हैं, और समझे कि मीडियम हॉस्पिटल है, फार्मेसी, ये सारा डाटा आना जाना ये करना था। हाँ, तो सही है ना, अगर 3 मिलियन कॉल पर मंथ ये दे रहा है, तो 3 मिलियन आपकी रिक्वेस्ट आएगी उस एप्लीकेशन पे, कम आएगी बहुत, ये तो बहुत ज़्यादा, तो खत्म हो गई, इसी को लगा दो।
अच्छा अगर इससे एक्सीड करती है ना ये, अगर इससे एक्सीड करती है तो प्रो प्लान पे कर लीजिएगा, $19 पर मंथ है प्रो प्लान, तो कमर्शियल है ये, इसमें कोई वो तो नहीं है, मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं है। नेटलीफाई बहुत पुरानी कंपनी हो गई अब तो, इसको मैं देख रहा हूँ 4 साल से तकरीबन। सही। सही है, तो यही है प्रो। हरिको पे भी क्या होता है, हरिको पे 500 MB का आपको सर्वर देता है, आपका वो एक्सीड कर गया तो आप उनको पैसे दे के आप अपना वो बढ़ा लेते हैं सर्वर, 500 MB से 1 GB कर लेते हैं आप, तो डबल हो जाता है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल क्लाउड पे भी जा सकते हैं, सारे ऑप्शंस हैं। देखें हमने इस क्लास में जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना, जितने भी हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी है, उसमें हमारी ये लिमिटेशन नहीं है कि हम एक बंद होगा तो दूसरा मसला ना हो जाए। हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं इस कोर्स में, वो देखें हम अभी हरिको पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और पर डिप्लॉय कर देंगे। हमने मोंगोडीबी भी पढ़ा है, कल को एम लैब ने बोला है कि 500 MB फ्री डेटाबेस जो मैं देता हूँ वो अब नहीं मिलेगा, एम लैब ने बोला या मोंगो डी बी एटलस ने बोला, तो मोंगो डी बी के अलावा ये AWS पे भी होस्ट हो जाता है, मोंगो डी बी कहीं और भी होस्ट हो जाता है, तो हम वहाँ होस्ट कर देंगे। ठीक है, ये नहीं होंगे तो कोई दूसरा आएगा, जैसे नेटलीफाई कह रहे हैं हम दे रहे हैं, अभी ये नेक्स्ट JS वाले कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं फ्री, हमसे ले लो। होस्ट तो बहुत जगह हो जाता है, ये तो हाँ सर है, बताया था आपने। नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कहीं और होस्ट नहीं होती, मैं आपको बता देता हूँ। फायरबेस, फायरबेस कहीं और होस्ट नहीं होता, ठीक है, इसलिए फायरबेस हमने नहीं पढ़ा इस क्लास में। मैंने जो जिंदगी में फायरबेस का थोड़ा सा बता दें सर। नहीं, फायरबेस मैं कवर भी नहीं करूंगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है सीखने की, उसके अंदर बस ये भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म है ना। नहीं नहीं डेटाबेस होता है फायरबेस, मोंगो डीबी की जगह डेटाबेस मोंगो डीबी हटा के ना हम फायरबेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मसला ये है फायरबेस फिर सिर्फ वहीं होस्ट होता है, बिल्कुल अलग अपना डेटाबेस है उनका वो। आप फायरबेस ने अगर पैसे बढ़ा दिए कल को, या उसने बोला फ्री नहीं मिलेगा आपको, तो ख़त्म फिर आपका। ठीक है, आपको यानी वो डेटाबेस आप कहीं और नहीं ले जा सकते, फिर आपको मंगो डी बी पे मूव होना पड़ेगा या तो उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मंगो डी बी पे मूव भी आप हो जाएंगे, लेकिन आपका जो पड़ा हुआ डेटा है उसका क्या करेंगे आप, उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी पूरी ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, वो एक सर का दर्द है, फिर जो चीज़ें उसमें पॉसिबल हैं वो मंगो डी बी में। हाँ जी, जैसे हमारे जो जान पहचान वाले डेवलपर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फायरबेस यूज़। अबे भाई ये देख लो, फायरबेस फायरबेस मत करो भाई, नहीं सर ने बता दिया ना प्रोप्राइटरी है, ओपन सोर्स नहीं है वो। हाँ, फायरबेस बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इवन ये कि आज मैं अभी गया हुआ था सैलानी में, मीटिंग थी हमारी, सैलानी के कोर्स से फायरबेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, कि किसी तरह सैलानी के कोर्स से उसको हटाया जाए, लेकिन बहरहाल अभी वो अब इंटरनल बात है कि वहाँ क्या हुई या नहीं हुई, लेकिन आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ कि सैलानी के कोर्स में भी जो अभी पढ़ाया जा रहा है ना इस वक्त, तो वहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ख़त्म करें, उसका कोई अल्टरनेटिव ऐसा लाएं जिसकी जगह। अब देखो मोंगो डीबी में और एक्सप्रेस में प्रॉब्लम ये है कि उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, फायरबेस तो 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन मसला लॉन्ग टर्म इशूज़ है ना उसके फायरबेस के, तो हम कोई ऐसा अल्टरनेटिव सोच रहे हैं वहाँ पर कि जो फायरबेस को हटा के वो पढ़ाया जाए। मोंगो डीबी तो वहाँ पढ़ेंगे, ऑफकोर्स पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फायरबेस को हटा दिया जाए। अच्छा तो भाइयों, ये नुमान वसीम ने कुछ भेजा है। जी नुमान, क्या भेजा है आपने ये? जी सर, ये मेरे पास एक एरर आ रहा है, जो बताएंगे अभी क्यों आ रहा है उसे। यार ये तो किस जगह पे आ रहा है? सर बेसिकली मैं एक वेबसाइट बना रहा था, उस पर मैंने जो है ना फॉर्म बनाया, तो मैं उसको कनेक्ट करना चाह रहा था डेटाबेस के साथ। सही है, तो मेरे पास ये एरर आ रहा है सर। ये जो एरर है ना, ये तो सिंपल जावास्क्रिप्ट का एरर है, कि कह रहा है कोई चीज़ अनडिफाइन है और आप उस पर डॉट मैसेज लगा रहे हैं, वो उसको मिल नहीं रहा। ठीक है सर, आप बता सकते हैं अगर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो, बता दूंगा। सर शो हो रही है आपको स्क्रीन? जी आपकी स्क्रीन आ चुकी है। जी सर, यहाँ एरर आ रहा है सर। देखो नहीं, कोड दिखाओ ना मुझे, डॉट मैसेज कहाँ पे लगाया है तुमने? ये हाँ, तो इसमें ना डॉट मैसेज मौजूद ही नहीं है, डॉट मैसेज इसमें मौजूद ही नहीं है, इसलिए तो मैं ये एरर आ रहा है सर। लेकिन मैंने यहाँ से जो है मतलब सर्वर साइड से तो
भिजवाए के दिखाओ कहाँ जो भिजवाया। ये रहा सर। हाँ तो एक काम करो, जाओ कोड में वापस जाओ जहाँ पे मैसेज को तुम कॉल कर रहे हो। यहाँ पे ना तुम रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल करा के देख लोगे उसमें मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जी रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल करा लो। अगर मैसेज आ रहा है इसके अंदर तो सही है, मैसेज नहीं आ रहा है तो कुछ तो आ रहा होगा, देख लो पता चल जाएगा तुम्हें कि क्या आ रहा है। हो सकता है तुम सर्वर पे वो अपडेट ही ना हुआ हो जो तुमने लगाया है। सर ये सेम एरर आ रहा है। लाइन नंबर 224 पे आ रही है, 224 पे जी जाओ। सर। अच्छा ये 224 नीचे वाला है, जी जी सर। इसमें से डॉट मैसेज हटाओ इसका, रिस्पॉन्स डॉट डेटा करो। अच्छा लाओ, यूज़र इज साइन अप, एक स्ट्रिंग आता है सीधा सीधा, ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। सर वैसे क्या इशू है इसमें? तुमने सर्वर से तो ऑब्जेक्ट भेजा लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा डेटा आ रहा है, वो सर्वर अपडेट नहीं हुआ तुम्हारा। और क्या, यही मसला है, सर्वर पे वो कोड पहुँचा ही नहीं है अभी तक, वो ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा तो भाइयों ये तो हमारी बात हो गई। मैंने अपनी स्क्रीन दोबारा से शेयर कर दी है और अब हम आ जाते हैं लास्ट क्लास में जो हमने कोड लिखा था उस पर।